बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हसन एंड हुसैन की चर्बी आज मैं बनाने जा रही हूँ शीर खुरमा। ग्राइंडर के डिब्बे में हम डालते हैं कि पहले 4 टेबलस्पून खशखाश और इसे पीस तेजकी की तरह हम डाल देंगे थोड़ा सा घी और इसे कर लेंगे गरम। इसके अंदर मैं डाल दूंगी पीसी हुई खशखाश, इसको हल्का सा कर लूंगी फ्राई। इसके अंदर डाल दूंगी सीढ़ियाँ। ये 1.5 प्याली सेवियाँ मैंने ली है जिसका मैंने चूरा कर लिया। सेवियों को भी बस हम हल्का सा ही भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। ये 3 लीटर दूध मैंने लिया था जो मैंने सेवियों के अंदर डाला है। मैंने दूध को पहले ही बॉईल कर लिया था। अब हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे। अब 1 घंटा हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। चीनी आप इसके अंदर अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। अब हम इसको अच्छी तरह से चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर खोया ऐड कर देंगे। मैंने लिया है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जिसमें अखरोट, काजू, पिस्ता और बादाम है। इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे और फिर इसे शीर खुरमे में ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारा ड्राई फ्रूट और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे क्रश किया हुआ सूखा नारियल और हम डाल देंगे इसके साथ खोया। ये तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा खोया है जो हम डाल देंगे शीर खुरमे में। इसको चेक कर देंगे। इसके अंदर मैंने खोया और जो ड्राई फ्रूट डाला है वो डालकर हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर और पकाएंगे। थोड़ा सा थिक होगा तो फिर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगे तो अपने रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड्स में से शेयर करिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह। अब हमारा शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।